पंजाबी टीवी गल पंजाब दी देखण वाले सारे दर्शकों का एक बारी फिर तो स्वागत है। पंजाब दे निकले दौरे ते अज असी तुहानू लैके चलदे हाँ लुधियाना फिरोजपुर रोड उत्ते पैंदे भगती दे घर अर्थात नानक सर। धन धन बाबा नंद सिंह जी का ओ तप अस्थान जो कि 1916 ईस्वी सुशोभित होया सी। आओ तुहानू भी दर्शन कराने इस पवित्र अस्थान दे। संत बाबा लखा सिंह जी तो इस पवित्र अस्थान का इतिहास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये नानकसर कलेरां जगराऊं जो नानकसर संपर्दा का मुख्य स्थान है ये 1916 ईस्वी के जगह की स्थापना धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी ने की। तकरीबन 104 साल हो गए ने इनू स्थान स्थापन किए नूं और बाबा नंद सिंह ने इत्थे घोर तप किया जो अज दे युग विच अज दे समें विच बड़ा कठिन है। जे नींद नूं जित्तिया है ते बाबा नंद सिंह ने जित्तिया है। इन्हां सधारण जीवन विच उन्होंने श्वास श्वास प्रभु की बंदगी की। एक श्वास भी व्यर्था नहीं जान दिता और इस घर की जो विशेषता ही है धन गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रगट गुरु की देह बाबा जी ने मन के दिखाया। क्यों कार तो लैके 18-10-20 तक जितनी गुरु ग्रंथ साहब जी ते बाणी दर्ज है एक एक अखर तो गुरु नानक का रूप समझ के उन्होंने पूजिया और ऐसी अवस्था बन चुकी सी उन्होंने कि कहते जता दसा पातशाह की जोत स्वरूप है तो दसें पातशाह के विराजमान ने तो बाबा जी ने प्रतख प्रगट गुरु की देह जाण के समझ के भोग भी लवाए दर्शन भी किए। आप दर्शन कर लेने कोई बड़ी वड्डी गल नहीं बहुत सारे गुरमुखों नूं उन्होंने दर्शन करवाए भी और अज जे वर्ल्ड दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब दा इतना अदब ते सत्कार है ये बाबा नंद सिंह जी दी देन है। क्योंकि बाबा जी दे आउण तों पहलां जो धन गुरु अर्जन पातशाह ने मिशन चलाया सी जो हरिमंदर साहिब विच प्रकाश करके पोथी परमेश्वर का थान करके नवाजिया सी और विराजमान जिस जगह ते आप विराजदे सन कोठा साहिब उत्थे सोहणा पलंग ढाह के सोहणी मिठाई साई करके उस जगह पर विराजमान किया और अपना सिंघासन उस दिन तो भूए ते ला लिया और इस हुक्म की पालना धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी करा के गए जो सचखंड चले ने हुक्म लाया आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। ये जिहड़ा हुक्म सीगा ये भुलदा भुलदा भुल गया आलिआं ते अलमारियां दे विच विराजमान किए जाण लगे गुरबाणी का कोई अदब सत्कार ना रहा। जदों परंपरा मर्यादा भंग हो गई उस मर्यादा नूं बहाल करन वास्ते धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी नानसा कलेर वाले ने जन्म लिया और जन्म लैके आके आप गुरु ग्रंथ साहिब का आदर सत्कार किया और सत्कार करने की जाचना सिखाई। जे धन गुरु अर्जन पातशाह का हुक्म गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म की पालना की थी तो बाबा नंद सिंह ने करके दिखाई है। अज उन्हों का जो हुक्म है पूरे वर्ल्ड में लागू है हर हिरदे गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रति प्यार ते सत्कार हर व्यक्ति दे हिरदे अंदर जागया है। इस घर की विशेषता यही है कि उदों तो लैके सारा प्रोग्राम उस तरह चल रहा है। इस घर में गुरु ग्रंथ साहिब का आदब ते सत्कार हुंदा है और सत्कार करन दी मुख जाचना सिखाई जाती है। आपां गुरु के सिद्धांत नूं समझदे होए भैड़े तमाम नशां तों बचिए धर्म की किरत करिए आए गए भाग की सेवा करिए बाणी और बाणी दे धारदे होइए और संगत उन्हां दी करिए जो सानूं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़े जो तो तोड़ के अपने मगर लाउंदा है उन्हां दी भुल के भी संगत ना करिए फिर आपां नूं की प्राप्त होवेगा। लोक सुखिए परलोक सहेले
नानक हर प्रभ आपे मेले, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरह के होर भी धार्मिक ते इतिहासिक स्थानां दे दर्शन करन लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो ते कमेंट विच धन धन बाबा नंद सिंह जी जरूर लिखो। देखते रहो पंजाबी टीवी गल पंजाब दी। धन्यवाद।